नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। कृपया सबसे पहले आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियोस का आपको सबसे पहले पता चले। जो टॉपिक लेकर आपके सामने आया हूं, जो सबसे ज्यादा मुझे आज किस टॉपिक पे अगर डिमांड आई है तो वो थी कि सर हाइट लंबाई या कद कैसे बढ़ाया जाए। तो कुछ मैंने सोचा कि इस टॉपिक के बारे में थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए जो हाइट से परेशान है। फ्रेंड, वैसे तो हम सब जानते हैं कि हाइट एक उम्र के बाद नहीं बढ़ सकती, राइट? जैसे लड़कियों में 18 के बाद और लड़कों में यूजुअली ऐसा देखा गया कि 24 के बाद नहीं बढ़ती है। हाइट क्यों नहीं बढ़ती है, क्या क्या कारण है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसी पे आज का एक छोटा सा वीडियो है। हम देखते हैं कि हाइट बढ़ने के मेन जो तीन कौन से कारण रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पहला है HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। हाइट बढ़ाने में सबसे पहला इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड हार्मोन्स, और तीसरा सेक्स हार्मोन्स। सेक्स हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन, महिलाओं में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ये सेक्स हार्मोन्स भी अगर इम्बैलेंस है या कम मात्रा में है बॉडी में तो अगेन हाइट में आपके रुकावट डाल सकते हैं। ये जो है हमारी जो हड्डियों की लंबाई होती है, हड्डियों की लंबाई, लंबाई के एंड में या छोर पर वहां पे प्लेट्स होते हैं, ग्रोथ प्लेट्स जिसको कहते हैं, जिसको मेडिकल भाषा में अगर कोई डॉक्टर मुझे देख रहा है तो डॉक्टर समझेगा एपिफाइसल, एपिफाइसिस, राइट? उसको एपिफिजियल एंड कहते हैं। जैसे जैसे ये जो ग्रोथ प्लेट्स है हमारी, जब हमारी उम्र बढ़ती है, ये जो ग्रोथ प्लेट्स है ये आपस में फ्यूज हो जाती है, और एक बार यदि वो फ्यूज हो जाए फिर उसके पास मार्जिन नहीं होता है उसको बढ़ने का, राइट? तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ रेयर केसेस में 26-26 साल, 27-27 सालों में भी उनकी हाइट बढ़ी है, उसका एक ही कारण रहा होगा कि उनकी ये जो ग्रोथ प्लेट्स है, एपिफिजियल एंड जो है वो फ्यूज नहीं हुआ होगा। ये आप किसी भी जब लेबोरेटरी में जाओगे वहां पे आप पता कर सकते हो कि आपके ग्रोथ, आपकी जो बोन्स की जो एपिफिजियल एंड्स है वो फ्यूज हुए हैं या नहीं है, राइट? क्योंकि हाइट यानी कि बोन्स की लंबाई, जो लॉन्ग बोन्स है उसकी लंबाई अगर फ्यूज हो चुका है हाइट नहीं बढ़ सकती है। आज हम लोग कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा, 5 स्टेप्स, 5 स्टेप्स टू इंक्रीज योर हाइट। सबसे पहला जाहिर सी बात है प्रॉपर न्यूट्रिशन, है ना? प्रॉपर न्यूट्रिशन यानी कि प्रॉपर डाइट एंड न्यूट्रिशन। खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपकी बॉडी में वो अगर प्रॉपर विटामिन मिनरल्स नहीं होंगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। उनमें से मेन क्या होता है, कैल्शियम। सभी लोग जानते हैं क्योंकि बोन की लंबाई बढ़ानी है तो कैल्शियम प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगेन आप लोग सब जानते हो दूध दही पनीर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सपोजर टू सनलाइट, क्यों हमको सूरज को सनलाइट लेना जरूरी है, ये अर्ली मॉर्निंग के सनलाइट की बात कर रहा हूं, 12 बजे के बाद के सनलाइट क्यों नहीं, वरना अल्ट्रावायलेट रेज होती है जो नुकसानदायक होती है। ये सुबह सुबह की जो धूप होती है, अर्ली मॉर्निंग धूप 7 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे की, ये अगर आप एक्सपोजर लेते हो तो उससे क्या फायदा मिलता है, यस, विटामिन डी। क्योंकि आप कितना कैल्शियम लेते हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कैल्शियम को हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए विटामिन डी आवश्यक है जो हमको सनलाइट से ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, सनलाइट में एक्सपोजर कंपलसरी है, क्योंकि आज की तारीख में शहरीकरण में हम क्या हो रहे हैं, उठते लेट है, सनस्क्रीन लगा के बाहर जाते हैं, एयर कंडीशन में रहते हैं, गॉगल्स पहनते हैं, छतरी लेकर जाते हैं, सन से बेसिकली अवॉइड करते हैं हम लोग। इसके कारण हमारे शरीर में अधिकतर, यदि आप ये बात देखोगे, प्रूवन है कि ज्यादातर पॉपुलेशन में विटामिन डी कम पाया जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो जोड़ों की तकलीफ है ये भी ज्यादा बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, एक्सपोजर टू सनलाइट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज आपको आपके जानकारी में यदि कोई जिम इंस्ट्रक्टर वगैरह होगा उससे आपको जरूर ये एक्सरसाइज सीखनी है। कुछ हद तक आपको दिन में 5 से 7 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज पे फोकस करना है। आप ज्यादा जानकारी के लिए गूगल पे सर्च मार सकते हो कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज 5 मिनट दिन की, जस्ट 5 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। योगा, योगा प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल। योगा में वैसे तो हम सभी लोग जानते हैं अनेक आसन, कई सारे आसन है, लेकिन जो हाइट बढ़ाने में प्रमुख 3 से 4 आसन के बारे में जरूर बताऊंगा। अगेन ये आप गूगल पे सर्च मार के इसको देख सकते हो इन डिटेल। ताड़ासना, इसको माउंटेन पोज कहा जाता है, माउंटेन पोज। भुजंग आसन, भुजंग आसन, कोबरा, कोबरा पोज जिसको कहते हैं। अधोमुख, अधोमुख श्वान आसना, डाउनवर्ड डॉग पोज जिसको कहते हैं, ये आप गूगल पे सर्च मार सकते हो। त्रिकोण आसना, त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल पोज, ये 4। इसके अलावा भी 2-3 ऐसे आसन हैं। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसा कोई एक्सपर्ट हो जो योगा में सिखाता हो या टीचर हो, कोई भी योगा शुरू करने से पहले उनसे एक बार सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि गूगल पे हम सिर्फ आसन देख सकते हैं बट उसकी राइट टेक्निक, कितने मिनट करना है, सांस को कितनी देर अंदर छोड़ना है वगैरह, ये एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। तो अपने मर्जी से आप योगा मत शुरू करिएगा, पहले योगा इंस्ट्रक्टर को एक बार मिलके उनसे ये योगा करने की प्रॉपर टेक्निक जरूर सीखिएगा फ्रेंड्स, राइट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर स्लीप। हमने जो पहली बात की थी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये ग्रोथ हार्मोन बेसिकली काम कब करता है, रात के समय, रात के समय जब हम प्रॉपर स्लीप में। तो प्रॉपर नींद वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो जो लोग आप हाइट बढ़ाने के लिए आप किसी को अगर रेकमेंड कर रहे हो तो ये स्टेप्स आप जरूर याद रखिएगा, राइट। 8 आवर्स स्लीप, 8 घंटे की नींद अगर आपको प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो हमने देखा हाइट के कारण, हाइट के कुछ योगासना। आईएमसी में, आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स आप एक हाइट बढ़ाने वाले व्यक्ति को, लड़के को या लड़की को रेकमेंड कर सकते हो? सबसे पहला स्ट्रेस अवे, 1 टैबलेट मॉर्निंग 1 टैबलेट नाइट, 1 गोली सुबह 1 गोली रात। कैल्डी, जैसे मैंने बताया कैल्शियम और विटामिन डी का कॉम्बिनेशन, ये भी 1 गोली सुबह 1 गोली रात। सुपर नरिश मोरिंगा, जैसे हमने बात की थी डाइट एंड न्यूट्रिशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और सुपर नरिश मोरिंगा एक सुपर फूड है जिसके अंदर पूरे के पूरे न्यूट्रिशन मौजूद है, राइट, 92 न्यूट्रिएंट्स। सुपर नरिश मोरिंगा 2 गोली दिन में 1 गोली सुबह 1 गोली रात। हिमालयन बेरी 20 ml सुबह नाश्ते के बाद गर्म पानी में। एक्यूप्रेशर मैग्नेटिक पैड, जी हाँ फ्रेंड्स, एक्यूप्रेशर मैग्नेटिक पैड जिसको भी आपको हाइट बढ़ाने के लिए आप रेकमेंड कर रहे हो किसी बच्चे को 14 साल 15 साल 16 साल के, इसके बिना नॉट पॉसिबल, राइट। एक्यूप्रेशर, इट्स बेस्ड ऑन एक्यूप्रेशर मैग्नेटिज्म। हमारे पैरों में मैग्नेटिक पॉइंट्स होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट होने में। तो अगेन एक्यूप्रेशर मैग्नेटिक पैड, ये आपको जो जूते है जूते के अंदर उसको रखना है, और कम से कम दिन में 1/2 आवर हमको चलना है उस पर। तो ये एक्यूप्रेशर मैग्नेटिक पैड नहीं भूलिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, तुलसी 2-2 ड्रॉप दिन में 4 बार, यानी कि टोटल दिन में 8 ड्रॉप्स। तो फ्रेंड्स ये था आज का टॉपिक हाइट के ऊपर, किस प्रकार आप हाइट बढ़ा सकते हो। यस, अगर कोई लड़का है, एडल्ट व्यक्ति है 16-17 साल का जो जिम वगैरह भी जाता है स्पेशली एक्सरसाइज वगैरह, उसके लिए एक और प्रोडक्ट रेकमेंड करूंगा जिसमें टेस्टोस्टेरोन बहुत जबरदस्त लेवल पे अच्छे बढ़ता है उससे, हमारा टोंगेटली, ये भी उसको रेकमेंड जरूर करिएगा। वरना आइडियल ट्रीटमेंट जो है आईएमसी का, ये आप दे सकते हो। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको कुछ पसंद आया होगा।